नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। शनिवार को सिंधु बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में फैसला लिया गया कि किसानों की सभी मांगे पूरी होने तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। सिंधु बॉर्डर पर हुई बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने एक कमेटी की घोषणा की। समिति में संयुक्त किसान मोर्चा के 5 लोग होंगे, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम चुरनी, युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का और अशोक धावले इस कमेटी में ये शामिल किए गए हैं। ये कमेटी केंद्र सरकार से बात करेगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समिति में राकेश टिकैत का नाम शामिल नहीं है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है वो व्यक्ति जो खुद को बहुत चतुर और समझदार समझते हैं। कहते रहते हैं कि हम सब समझते हैं क्योंकि हम हैं लाल बिछक्कर, पर सच तो ये है कि इनकी समझ कितनी है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया है। तो चलिए सीधे लाल बुझक्कर के पास आज इन्हीं से पूछ लेते हैं। लाल बुझक्कर जी, बताइए कितने समझदार हैं आप? समझदारी का तो ये है मैडम कि समझ लीजिए कि समझदारी हम ही से शुरू होता है और हम ही पे आके खत्म हो जाता है। मैं समझी नहीं। ये तो हमारे समझदारी का खूबसूरती है, लोग सब समझिए नहीं पाता है कि हम कितना समझदार हैं। दरअसल हमारी समझदारी को समझने के लिए ना सामने वाले को समझदार होना पड़ता है। बस लग गए अपनी तारीफ में, बकवास बंद कीजिए और सीधे मुद्दे पर आइए। बताइए कल हुए किसानों की मीटिंग के बारे में क्या क्या हुआ इस मीटिंग में? मैडम जी, पहला बात जो इस मीटिंग में हुआ ना वो ये हुआ कि अगला मीटिंग का डेट तय कर दिया गया। 7 दिसंबर को किसान मोर्चा का मीटिंग फिर से होगा। ये नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस मीटिंग के आउटकम क्या रहे? देखो जी, झटका लगाए झटका, सरकार को तो लगा ही है, लेकिन जोर का झटका जोर से न सही, धीरे से ही सही, किसी और को भी लगा है मैडम। साहब रट लगाए थे कमेटी बनेगी कमेटी बनेगी। हाँ तो कमेटी तो बन ही गई। कमेटी तो बना मैडम, पर लगता है ना हमारा आँख खराब हो गया है। आपका दिमाग खराब है लाल बुझक्कर, कमेटी बनने और आपकी आँख खराब होने का क्या रिलेशन है? रिलेशन है मैडम, ये कमेटी में रखे गए मेंबर सब का नाम वाला जो लिस्ट है ना वो हम देख रहे थे, पर हमको ना टिकैत साहब का नाम इसमें दिखबे नहीं कर रहा है। उनका नाम इस लिस्ट में है ही नहीं तो आपको दिखेगा कैसे? कहा उनका नाम नहीं है? गजब भयो रामा जुलुम भयो। मैडम यह बात पर ना हमको सलमा आगा जी का एक पुरन का गाना याद आ गया। का था वो गाना? हाँ, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जबकि समझिए कि ये उनके आंसुओं का ही खेल, मतलब कि कमाल था कि खत्म होता आंदोलन फिर से परवान चढ़ा था। बेचारे, समाज तो सब रहे हैं पर कुछ कर या कह नहीं पा रहे हैं। ऐसे में तो गुस्सा आईबे न करेगा मैडम। अब यह में कहीं का गुस्सा कहीं और निकल जा रहा है। हमको तो लगता है ना यह गुस्सा में एगो रिपोर्टर महोदया पर कुछ दिन पहले बरस गए थे। ये तो गनीमत है कि कमेटी में शामिल नहीं किए जाने पर वो लाइन नहीं बोले। कौन सी लाइन है? आंदोलन होगा जी आंदोलन। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए आंदोलन ये खत्म आखिर क्यों नहीं हुआ? हमको तो लगता है ना मैडम, आंदोलन खत्म हुआ ना तो कुछ लोग का महत्वाकांक्षा भी खत्म हो जाएगा। अब आप ही बताइए कौन चाहेगा कि उसको वो वाला गाना गाना पड़े कि सपना मेरा टूट गया, इसलिए जितना दिन खींचा सकता है खींचा जा रहा है। खेला तो चालू है मैडम, समझी कुछ? आपकी बातें लाल बिछक्कर आप ही समझो। देश तो चाहता है कि जल्दी इसका कोई समाधान निकले, किसान अपने घर जाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।